नमस्कार, आज मैं आपको बालों में लगाने वाले बैंड बनाना सिखाऊंगी। ये कैसे बनाया जाता है ये देखिए, मैंने ये घर में बनाया है। ये देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से, साड़ी का कोई कपड़ा हो, दुपट्टे का हो, किसी भी कपड़े से आप बहुत ही आसान तरीके से घर में आप इसको, ये देखिए घर में आप आराम से इसे बना सकती हैं। तो ये मैंने कैसे बनाया है तो चलिए सीखते हैं। ये देखिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। अब चौड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है तो आप इसे चौड़ा कपड़ा ले सकती हैं, और आप ज़्यादा घेर में बनाना है तो आप इसे और लंबाई ले सकती हैं। बस मैंने इतना कपड़ा लिया हुआ है तो आप किसी भी कलर का कपड़ा ले सकती हैं, कोई भी कलर आप जैसा भी चाहें आप बना सकती हैं। मैंने रेड लिया हुआ है, और इसमें ऐसा कपड़ा लेना चाहिए कि इसके रेसे ना निकले, इसका ध्यान रखना कि रेसे ना निकले। तो मैंने ये कपड़ा लिया है, और ये पट्टी मैं इसके ऊपर यहाँ पर रख लूँगी इस तरीके से। ये पट्टी छोटी मैंने ली है क्योंकि जब इसी में जो कटिंग होती है, इस कपड़े में मुझे कटिंग करनी है, तो मुझको इसको बीच में रख के फिर इसके बाद इसकी ऐसे करके सिलाई करनी है। तो चलिए ये कपड़ा मैंने ले लिया है, अब चलिए इसकी सिलाई करते हैं। ये देखिए मैंने कपड़ा रख दिया है, अब इसको ऐसे करके पलट लेंगे, उल्टी तरफ से कपड़ा रखेंगे, सीधा अंदर रखेंगे इसको। देखिए तीन परत में कपड़ा तैयार हो गया, अब इसकी सिलाई चालू करते हैं। ये देखिए या ऐसे करके मशीन में आप रख लीजिए। ये देखिए ये मैंने यहाँ से सिलाई चालू करी है। अब ऐसे सीधी सिलाई आपको यहाँ तक आपको पूरी सीधी सिलाई यहाँ तक आपको करनी है। तो चलिए पूरा यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये मैंने यहाँ से सिलाई करके यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अब चलिए इसको पलटते हैं। तो पलटने के लिए ये देखिए पहले ये सुई धागा, बड़ी सुई लेते हैं और इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब इसके अंदर सुई ये उल्टी तरफ से, ये देखिए ऐसे सुई बाहर निकाल ली। अब यहाँ से धीरे धीरे ऐसे करके आप इस तरीके से ये देखिए ये मैंने पलट लिया, ये पलट लिया है। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए ये पट्टी तैयार हो गई है, और जो मैंने अलग से पट्टी लगाई थी देखिए ये अलग हो गई। इसमें हम रबर डाल के बैंड तैयार होगा, इसमें हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करेंगे, ध्यान रखना होगा कि इसको ये कपड़ा ना कटने पावे। तो देखिए ऐसे करके आप ऐसे ले लीजिए, आप हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए इस तरीके से, और ये कैंची ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आप ऐसे खींचती जाइए थोड़ा सा कि ये ना कटने पावे। ये देखिए ये ऐसे करके आप कट कर लीजिए। वैसे ऐसे इस तरीके कट करके अंदर से भी लगा के आप डायरेक्ट भी बना सकती हैं, परंतु ये ज़्यादा आसान आपको बनाने में रहेगा, उसे बनाने में परेशानी हो सकती है। ये देखिए ये देखिए ये मैंने इसी तरीके से आप ये देखिए इतना मैंने काट लिया है। अब इतना यहाँ तक हमको पूरा इस तरीके से काटना है, तो आप कपड़ा ऐसे खींच खींच के आप यहाँ तक इस तरीके से पूरा काटते चले जाइए। ये देखिए ऐसे ये देखिए ये मैंने ये पूरा यहाँ तक ये पूरा काट दिया है, ये कट हो गया। अब चलिए इसमें ये देखिए मैंने इलास्टिक लिए, इलास्टिक को इसमें सेफ्टी पिन में ऐसे करके यहाँ से डालना चालू करेंगे।
इधर से पकड़े रहिए इस तरफ से, इन दोनों को आप ऐसे करके सुई से दोनों को आपस में इनको ऐसे करके सिल दीजिए। ये देखिए ये पूरा यहाँ से मैंने सिल दिया है। अब जिस जगह से सिलाई करी गई है अब इस जगह से यहाँ से रबड़ ये दिखना नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमको इन दोनों को ऐसे आपस में इस तरीके से ऐसे करके दोनों को थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ के ऐसे इस तरीके से यहाँ से हमको इसको सुई में लाल धागा डाल लीजिए और ऐसे करके इसका इसका बीच का जो ये भाग ये है इसको सिल देना होगा। ये देखिए यहाँ से मैंने सिलाई करी है, ये देखिए यहाँ से करके ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। ये देखिए ये सिलाई हो गई है, ये देखिए बनके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये देखिए ये बनके कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए मैंने ये भी बनाए हुए हैं। ये कपड़ा को आप कभी बाहर लेने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा घर में मौजूद होता है, कोई साड़ी का पीस है कोई दुपट्टे से है कपड़ा और तो आप घर में ही कपड़ा मिल जाएगा आपको, बस इलास्टिक डालनी होती है। और इसके बाद देखिए जैसे आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकती हैं, छोटे बनाने आप छोटे बना सकती हैं, इससे भी आपको पतला बनाना है तो इससे पतला भी, आपका जितना भी कपड़ा उसी हिसाब से आपको चौड़ाई से कपड़ा लेना पड़ेगा। आप इससे पतले भी बना सकती हैं जिस कलर का चाहें, आपको जो कलर पसंद हो, ब्लैक में भी आप चाहें वाइट में जो भी कलर आपको पसंद हो आप वैसे कलर बना सकती हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको बता दिया है बहुत ही आसान तरीका बनाने का। आप हर कलर का आराम से घर बना लीजिए और यूज करिए, ये बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।